हरिओम। वाई हरिओम? ऐसे ओम जो नाद है वो संगीत का सबसे पहला स्वर है। ओम से ही उत्पत्ति हुई है। म्यूजिक सब शिव जी का सबको पता है, उत्पत्ति तो वहीं से हुई है। तो म्यूजिक का सेशन है तो ओम का होना बहुत जरूरी है। ओम इज नॉट रिलीजियस, ओम का रिलीजन से कोई लेना नहीं है। ये ब्रह्मनाद है, सबके लिए है। और अभी ब्रिज जी ने बोला कि फिल्म्स में ऑडियो के बिना कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एक एरा था जब साइलेंट फिल्म्स होते थे, बिकॉज माध्यम तो बदलते गए। तो साइलेंट एरा में भी जो डायरेक्टर्स थे उनका सोचिए कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया था। उसके बाद थोड़ा म्यूजिकल आ गया, डायलॉग आ गया, एक एक करके। चार्ली चैपलिन फिल्म्स देखा होगा तो उसमें कोई डायलॉग नहीं होता था। चार्ली चैपलिन फिल्म्स आर वेरी बिग एग्जाम्पल। उसमें इमोशन, ड्रामा, सब कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल था जस्ट विद म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक से। तो उसके बाद सब में बदलता रहा। फिल्म में एक ऑप्टिकल मीडियम पे फिल्म शूट होता था और लाइव म्यूजिशियन, जैसे थिएटर का स्क्रीन रहता था वहाँ पे एक पिट रहता था, खड्डा जैसा, वहाँ से लाइव ऑर्केस्ट्रा, जैसे नौटंकी वगैरह में होता है, वहाँ पे परफॉर्मर लाइव होता है। यहाँ पर जो स्क्रीन में चल रहा है उसके साथ वो लोग पूरा सिंक्रोनाइज म्यूजिक लाइव चलता था थिएटर में वो। उसके बाद फिर वन ट्रैक रिकॉर्डिंग, फिल्म पे डायलॉग के साथ म्यूजिशियन भी पीछे रहते थे। बहुत सारे इंडियन फिल्मों में भी जो पुराने एक्टर एक्ट्रेस थे वो गाते भी थे अपने पार्ट्स ऑन द फ्लाई, मतलब सीधा शूट पे ही गाना हो रहा है। वहाँ पे पीछे हिडन म्यूजिशियन भी रहते थे, कभी पेड़ के पीछे, कहीं छुप के। और वो जितना टेप में नेचुरल रिकॉर्ड होता था विद नेचुरल एम्बियंस, उसमें हम लोग पुराने ज़माने का, जैसे 40s से पहले का फिल्म्स देखेंगे तो वैसा था। 40s में 31 में शायद आलमारा फर्स्ट फिल्म था, 1931 आलमारा, जिसमें प्रॉपर म्यूजिक के साथ रिकॉर्डिंग हो रहा था। और स्लोली बढ़ता गया टू ट्रैक, जिसको उस जमाने में मल्टी ट्रैक कहा गया, ऑप्टिकल पे ही रिकॉर्ड होता था, वो आ गया। तो म्यूजिक और डायलॉग अलग अलग हो गया, पहले एक ही में था। तो वो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स थे। आज आप लोग इतने एडवांस्ड समय में आ चुके हैं, दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं। तो लेकिन नॉलेज पीछे का भी होना बहुत ज़रूरी है। दोज वर द रियल टफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा कठिन समय वही थे फिल्म मेकर को अपनी बात को पूरा बयान करने के लिए। और लेकिन उन फिल्म में जो इमोशन होता था वो लास्ट करते थे। अगर आप संगीत में देखेंगे पुराने, अभी रिमिक्स तो आ ही रहा है, सब रिमिक्स, हर भाषा में रिमिक्स होता है, क्योंकि हमारा रूट जो है, पहले का संगीत जो है रूट से जुड़ा रहता था, अभी का संगीत उतना रूट से जुड़ा नहीं है, साउंड ओरिएंटेड है, बीट्स, साउंड। ऐसे ही फिल्मों में भी अगर आप पहली फिल्म का कोई स्कोर भी चल रहा होता था तो आपको पता चल जाता था। हम लोग कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स आते थे, वो लेके सुनते थे, सिर्फ डायलॉग कॉपी, फिल्म देखी नहीं है, फिल्म देखने का पैसा नहीं है। पूरे मोहल्ले में किसी के पास रहेगा तो वहाँ चल गया, दोपहर में सब लोग बैठे नहीं सुन रहे। तो ऐसे बदलता रहा एरा। मल्टी ट्रैक में जब मुंबई आया तो मल्टी ट्रैक 8 ट्रैक रिकॉर्डिंग शुरू हो गया था। 8 ट्रैक रिकॉर्डिंग मतलब बहुत बड़ा था। तो पहली बार सनी सुपर साउंड स्टूडियो है, सनी देओल धर्मेंद्र जी का है जू में, वहाँ पे देखा। इससे 3-4 गुना बड़ा हॉल था रिकॉर्डिंग का, थिएटर पूरा घबरा गया, इतनी तारें, इतना वो। धीरे धीरे बढ़ता है, 24 ट्रैक, 48, अभी एंडलेस ट्रैक्स हैं डिजिटल मीडिया। और डिजिटल के साथ अभी एनालॉग का वापस से जोड़ना शुरू हो गए। फिल्म माध्यम में भी अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे एक मित्र ने अभी एक फिल्म बनाई है, इफ़ी गोवा में इस साल सेलेक्ट हुई वो फिल्म, उसने 16mm पे शूट किया है, क्योंकि उसको एरा दिखाना था, 70s 80s का दौर दिखाना था। तो उसमें जो ग्रेन और एक आती है फील आती है, वो अभी डिजिटल में कर सकते हैं, लेकिन उसमें पता चलता है ग्रेन डाल सकते हैं उसमें, थोड़ा ऐसा ऐसा डॉट 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 टाइप के। तो माध्यम बदल रहे हैं लेकिन पुराना माध्यम को भी रखना पड़ेगा। आपको कभी एरा का फिल्म कुछ करना है तो आपको पुराना माध्यम पता होना चाहिए कैसे होता था। और फिल्म म्यूजिक दो प्रकार का होता है, सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर। सॉन्ग्स जरूरी नहीं है सब फिल्म में हो, बैकग्राउंड स्कोर सब फिल्म में होता है, उसके बिना भी नहीं बन रही है फिल्म। बट आप में से कोई बनाना चाहता है तो इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल वेरी बिग थिंग। नो म्यूजिक, मे बी नो डायलॉग, यू कैन, आप लोग कर सकते हो। यही है क्रिएटिविटी का। आप बिना डायलॉग के भी फिल्म बना सकते हो, 5 मिनट की फिल्म शोकेसिंग बिना म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक कमर्शियल में तो 100% एसेंशियल पार्ट है, यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बैकग्राउंड स्कोर का एकदम तालमेल सबसे ज़्यादा होता है साउंड डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आप लोगों को थोड़ा काफ़ी कुछ पता चल चुका है, आप लोग काफ़ी कुछ करे भी हुए लोग बैठे हैं। साउंड डिपार्टमेंट इन ऑल ओवरऑल में कई सारे विंग्स हैं, लाइव लोकेशन, पोस्ट, डबिंग इंजीनियर्स अलग होते हैं, डबिंग एडिटर्स अलग होते हैं, साउंड एडिटर अलग होता है, म्यूजिक एडिटर होते हैं, म्यूजिक सुपरवाइजर्स होते हैं। बड़ी फिल्मों में बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन जैसे आप शुरू करेंगे तो ये सब डिपार्टमेंट आपको खुद देखने पड़ते हैं मोस्टली, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सारे डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं। भाई एडिट पे, वीडियो एडिट पे भी जाना है, ऑडियो एडिट पे भी जाना है, डबिंग पे भी जाना है, डबिंग सुपरविजन, डबिंग स्क्रिप्ट, सब कुछ ही करना पड़ता है। तो ऑल इन वन होता है। आप लोग जो भी स्ट्रीम चुनेंगे लेकिन नॉलेज सबका होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक। मेरे म्यूज़िक से ध्यान ही नहीं हटाया, अभी पिछले कुछ सालों से मैं स्क्रीन प्ले के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे एहसास हो कि हम, मेरी कोई स्कूलिंग नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, अपने आप ऑर्केस्ट्रा बजा के छोटे जैसे यहाँ आ गए, यहाँ पे बजाने लग गए, रिकॉर्डिंग मिल गया। 23 साल की उम्र में दिन में 2-3 हज़ार रुपये आने लग गए, 96-97, तो वो बहुत था। आज भी 2-3 हज़ार रुपये दिन में मिलेगा तो बहुत है। तो उस समय एकदम ही फ्लाइंग थे हम लोग, उड़ रहे थे हवा में, ऐसा एज रहता है। स्कूलिंग नहीं था, पता नहीं था कुछ भी। तो अधजल गगरी छलकत जात हो गया, यानी कि हाफ पॉट मेक्स मोर नॉइस, वो नॉइस बढ़ता गया। तो बाद में जाके रियलाइज होता है कि आपको नींव पे जोड़ना है, तो आप नींव को कभी नहीं छोड़िए। नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज विल टेक यू टू द बिगेस्ट। एक समय पे आके आप कम नॉलेज में भी काफ़ी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक मुकाम आने के बाद आपको लगेगा अभी मेरे को आगे कुछ पता नहीं है, आगे इसके आगे का मालूम ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, तो कहाँ जाओगे। तो ज्ञान प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। सो जैसे मैं बता रहा था, बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स में आपका सॉन्ग की शेल्फ लाइफ, फिल्म की भी शेल्फ लाइफ, यानी कि सस्टेनिंग, उसकी कितने दिनों की उसकी जिंदगी है वो बहुत कम हो गई है। और म्यूजिक के अंदर मैं स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ बहुत ही कम, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस। उसके ज़्यादा गाना है नहीं। उसके 2 रीज़न हैं, एक तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया, और दूसरा जो अभी के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो 1 रूम कंपोजर होता है, सब मशीन है, सब कुछ मशीन है, सॉफ्टवेयर्स दुनिया भर के लगे हुए हैं, और एक ही आदमी का दिमाग चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी 3 आदमी, बस। पहले क्या होता था, जितने यहाँ लोग बैठे हैं हम, इतने लोग संगत पे साथ में होते थे, हर एक का ज्ञान होता था। कंपोजर्स जो पहले बैठते थे उनकी टीम होती थी, इवन लिरिक राइटर भी बैठा रहेगा, फिल्म राइटर भी बैठा रहेगा, डायरेक्टर बैठा रहेगा, प्रोड्यूसर बैठा रहेगा, एक्टर बैठा रहेगा, और सारे म्यूजिशियन, और फिर जैमिंग होता, यानी कि बजाना गाना। तो किसी ने, आप कहीं से हैं, झारखंड से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप हिमाचल से हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई अंग लेके आता। अभी R D बर्मन का एक फेमस इंस्ट्रूमेंट था जिसको बोलते थे, उसका साउंड है टुक 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 टुक, महबूबा महबूबा, ऐसे सब गानों में सुनोगे आप, तुम 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 ये इंस्ट्रूमेंट नेपाली इंस्ट्रूमेंट था, उसको क्योंकि अलग अलग म्यूजिशियन होते थे वो लोग इनपुट देते थे इसमें, ऐसा बजाऊंगा अलग अलग जगह के स्टेट के म्यूजिशियंस थे, बंगालीज भी थे, पंजाबी भी थे। आर डी बर्मन का म्यूजिक में बहुत लाइवलीहुड अभी भी, इसलिए रिमिक्स ज़्यादा बनता है उसका, क्योंकि इतना बड़ा जैम सेशन होता था उनका और अलग अलग जगह के लोग रहते थे, अलग अलग आइडिया रहता था उनका, अपना फोक इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे। उसको डुक्की भी बोलते हैं, मादल भी बोलते हैं, रीजन वाइज डिवाइड होता है। डुक्की और मादल कॉमन नेम है इसका जो मैं बता रहा हूँ। उसका इतना इम्पोर्टेंस रहा कि जो रंजीत गजमेर, वो बहुत बड़े कंपोजर हैं, अभी भी हमारे गुरु भी हैं, वो आरडीटी के साथ यही इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते वर्ल्ड रिनाउंड हो गए। तो ये अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि बजट्स अलाउ नहीं करते और लोगों को आदत भी हुई मशीन की, कंप्यूटर। अगर आप लाइव म्यूजिशियन के साथ बैठ के जैम करके सॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखोगे आपके गानों में आगे बहुत बड़ा, क्योंकि हर एक का दिमाग अपना एक इनपुट देता है, इसके साथ मैं ऐसा करूँ, फिर वहीं भी वो नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कम कर लो, इसको ज़्यादा कर लो, हाँ ये पार्ट बढ़ा लो, ये यहाँ वहीं के वहीं डिसाइड होता है। वो एक रूम में एक एम्बियंस एनर्जी क्रिएट होता है। अगर आप लोग ये कर सके तो आपका म्यूजिक भी बहुत लॉन्ग लास्ट जाएगा, जो चैलेंजिंग है आज के ज़माने में, क्योंकि 10 लोगों का समय लेना, 10 नहीं तो 6 भी बैठे अगर आपके सेटिंग में म्यूजिशियन है, एक गिटारिस्ट, एक ढोलक में, एक तबला में, कीबोर्ड एसेंशियल पार्ट है, बाजा ले लिया या कोई और एक लाइव इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी वांसुरी, और सब बैठ के और सिंगर और लिरिक राइटर और आप, फिर जो पैदा होगा वो बहुत बड़ा जाएगा। और भारतीय मूल के अंदर तो ऑलरेडी म्यूज़िक के अंदर दो तो बड़े, इसको बोले क्या, क्लासिकल फॉर्म में कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिसको कहा जाता है, कर्नाटिक और शास्त्रीय, भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी जिसको बोलते हैं, भारतीय में दोनों आ गए, दो विंग हैं। इनके अंदर इतने ज़्यादा डिविजन्स हैं ऑलरेडी, घराने वाइज भी, आप कौन सी शैली, कौन सा अंग ड्रामा, नाट्य का या भाव का चाहते हैं वो उसमें पैदा हो सकता है। राग हमारे ऑलरेडी हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, हाँ कॉमेडी के लिए भी है, जुदाई के लिए भी है, ड्रामा के लिए भी है, डर के लिए भी है, हर चीज़ का राग है। तो उसमें से ही आप बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा म्यूज़िक है। फिर उसके बाद फोक्स हैं हमारे, रीजनल म्यूज़िक्स, हर जगह का रीजनल म्यूज़िक में इतने सारे शेर गीत हैं। अगर आप किसी रीजन में शूट कर रहे हो, अगर उसका आपने वो एसेंस ले लिया, फार में चल रहा है, चाहे एक ड्राइव होके जा रही है गाड़ी हिमाचल से, बांसुरी और डुबकी चल रही है, वो आपको सीधा पहाड़ों में ले जाएगा, आपके दिमाग सीधा वहीं चला जाएगा। तो आप ऑडियो और विजुअल माध्यम, जैसे इन्होंने बताया, तो विजुअल को डबल इम्पैक्ट कर देगा वो ऑडियो। और अगर आप गिटार विटार लेके चलोगे तो वो तो सब सॉन्ग कॉमन ही है पूरी दुनिया में। और ये बाकी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, आप फिल्म्स बनाएंगे इंटरनेशनल उसमें जाने के लिए, वहां पर जो वेस्टर्न म्यूजिक के प्लेयर्स हैं वो बहुत आगे हैं, लेकिन अगर हम उसमें सितार, पखावज, ऐसा कुछ बजा के वो भाव को क्रिएट कर दिया तो आपकी रिकॉग्नाइजेशन डबल ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि वो वहां पर है ही नहीं। जैसे आप घूमने जाते हैं किसी जगह, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आपके घर के आसपास नहीं है, इसलिए आप घूमने जाते हो, नदी में जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके घर के पास नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर ज़्यादा, सेम सिमिलर शहर होंगे तो आपको कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप भाई यहाँ पे कौन सा खाने का अच्छा जगह है वहाँ चले जाएंगे, वो भी आपके वहाँ नहीं है इसलिए जा रहे। तो जो हमारे पास है और वहाँ नहीं है, उसके ऊपर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट मिलेगा, जो कि छूटता जा रहा है। अभी की फिल्मों में आप देखोगे मोस्टली वेस्टर्न स्टाइल का म्यूज़िक, ये प्रोड्यूसर्स और म्यूज़िक कंपनीज की लॉबी ने पूरा डोमिनेट करके आपको चेंज, कल्चरल चेंज कर दिया है। आज कोई जुड़ नहीं पाता जल्दी से इंडियन म्यूज़िक से, तो वो कल्चरल चेंज बहुत ख़राब हुआ है। आधा इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, गाना कुछ चल रहा होता है, बैकिंग एकदम अलग चल रही होती है, कई एग्जाम्पल्स हैं। जो स्ट्रेंथ आप लोगों के पास है ऑलरेडी, आपको तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया, सीखने को भी मिल रहा है। म्यूज़िक इंडियननेस उसके अंदर ज़्यादा रखने से हमारी स्ट्रेंथ ही है, कमजोरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वेस्टर्न यूज़ नहीं करना, आपको वेस्टर्न तो यूज़ करना ही है क्योंकि वो आज की डिमांड है। अभी इंडियन के अंदर वेस्टर्न को कैसे ला सकते हो, देखो प्रोमिनेंस यही है, क्रिएटिविटी और दिमाग से कैसे उसको खींच के लेना है। हालांकि चैलेंजिंग बहुत है, हम लोगों को भी बहुत चैलेंजिंग होता है, प्रोड्यूसर्स का ही चलता है, अनलेस आपको एक बहुत बड़ा नाम नहीं हो गया। कई फॉर्मेट्स हैं जैसे ऑडियो के राजेंद्र जी लेके आए घर से, टेप वॉज फर्स्ट मीडियम, आप में से किसी ने देखा होगा कि नहीं, ये मैग्नेटिक टेप है, इसकी जो शेल है उसको स्पूल कहते थे, स्पूल में ये मैग्नेटिक टेप, इस पे वीडियो भी होता था और ऑडियो भी होता था, 1/4 इंच टेप, ये 1 ट्रैक रिकॉर्ड होता था इसमें। फिर और उससे बड़ा आया, उससे बड़ा आया, और 1 इंच टेप तक आया, 2 इंच टेप भी आया। उसके बाद आपका डैट फॉर्मेट्स आने लग गए थे। ये हाईएट है, ये हाईएट एक रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट होता था, 8 मतलब 8 ट्रैक इस कैसेट के अंदर, एक ब्रॉड कैसेट होती थी जो टेप कैसेट से बड़ा। हाईएट बहुत साल तक बहुत जोरदार चला। उसके बाद हाईएट के बाद उसका हाईएट का मास्टर जो है वो डैट पे बनाया जाता था, DAT डिजिटल ऑडियो टेप। डिजिटल ऑडियो टेप जो डैट है ये स्टीरियो मास्टर बनता था, इससे फिर कैसेट्स चलते थे, ये मास्टर बन के कंपनी में जाते थे। से 2 मास्टर बनते थे, एक आर्काइव और एक टू प्रोसेस। डैट से मास्टर बनता था, मास्टर जो है वो ऐसी कैसेट्स में आपको घर पे आ जाता था। और विनाइल के लिए जो विनाइल वाला रिकॉर्डर रहता था, अलग अलग RPM पे चलता था, राउंड्स पर मिनट, वो भी इसी से मास्टर्स बनने लग गए थे। विनाइल भी काफी टाइम लग रहा, अभी वापस से फिर आ गया है, अभी विनाइल वापस से आ गया जो ब्लैक, कई लोग तवा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसा, वो वापस से इन है, इंटरनेशनली बिक रहा है और उसकी डिमांड है, उसमें एक वार्मथ है।